Hi guys, my name is Dr. Jagdish Chaturvedi and in this video mein, I'm going to tell you how I got into MBBS or how I failed MBBS also and uske baad my preparation for PG and how I got into PG. Main kuch neat ke tips bhi dunga aapko. And most importantly, I'll tell you the real story behind this Viva scene from Starting Troubles. You? Sir? What is this? And what is this? Why are you dressed like this? Nonsense! Is this the way you come for a Viva? Showing disrespect to me and the examination. Steady and this cannot be tolerated. Sir, doctor, I didn't sleep for 3 nights. Nonsense! Get out! Sir, beard. Ridiculous! सो गाइज मेरी जो स्कूलिंग है मैं कुछ खास पढ़ाकू या स्टूडियस बच्चा नहीं रहा हूँ. वेरी एवरेज स्टूडेंट. और जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई भी किया उसका नाम भी नहीं आपने सुना होगा. उसका नाम है विवेकानंद एजुकेशनल सेंटर बैंगलोर में. आप गूगल भी करेंगे आपको नहीं मिलेगा. लेकिन उसका ग्राउंड बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी थी. थिएटर वगैरह भी अच्छा होता था एंड वाज क्लोज टू माई हाउस. पेरेंट्स को लगा कि कन्वीनियंट रहेगा. वैसे कौन सा मुझे और कोई स्कूल ले रहा था. बट इट वॉज गुड. मेरी एक फिलोसफी रही है हमेशा कि यू नो टू बी वेरी टाइम इफेक्टिव एंड एफर्ट इफेक्टिव. लाइक अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना मुझे कभी लाइक आई वॉज नेवर कन्विंस्ड. अब क्या 90 मार्क्स 95 मार्क्स 100 मार्क्स लाओ और फिर सेम क्लास में आप सब प्रमोट हो रहे हो. जो 40-50 ला रहा है वो भी उसी क्लास में जा रहा है. तो मुझे लगा इतनी मेहनत क्यों करनी है. 35 मार्क्स पासिंग होते थे उस समय और अगर 40-50 ला रहे हैं और थोड़ा बहुत नॉलेज है I can at least spend that other time doing theater, playing sports and doing masti, right? मुझे वो भी पसंद आता था. So मुझे कभी like lot of people try to convince me and explain, यार you should top the class, get lot of marks. Like मुझे कभी यार मैं उतना मेहनत करके same outcome के लिए क्यों करूँ. मैं ज़्यादा कुछ gain कर सकता हूँ by doing other things, right? पूरा first से लेकर 10th standard तक I think कोई भी जो class test था उसमें मैं clear नहीं हुआ except once in 7th standard जिसमें 50-60 बच्चों में से 28 लोग पास हुए थे. मेरी रैंक 27 थी और टीचर इतनी खुश हुए. और उसने तो जो मैं 27 तो मेरा दोस्त 28 आया था तरुण. हम दोनों को तो स्पेशल मेंशन किया क्लास के स्टेज पे बुलाया और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये लोग पहली बार पास हुए हैं और स्टैंडिंग ओवेशन मिला. और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज चेहरा उसका था जो फर्स्ट आया था. उसने बोला यार मेरे को तो कोई अटेंशन नहीं मिली. बट पेरेंट्स भी पार्टी दी उस समय. आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गए थे तो फिर अगले क्लास टेस्ट में मैं ले आया वापस उनको ज़मीन पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ यही रहता था मेरा. आई यूज टू लव बायोलॉजी और मेडिसिन मुझे काफ़ी पसंद थी. सो आई यूज टू डू वेल. बायोलॉजी में मैं फेल नहीं होता था. मैथ्स में फिजिक्स में बहुत फेल होता था. 10th स्टैंडर्ड में मेरे ये परसेंटेज आई वॉज एन ICSE स्कूल बट नो एक्सक्यूज बट 10th स्टैंडर्ड में मेरे थे 66% एंड 11th और 12th में आई मूव टू सुदर्शन विद्या मंदिर. ऑल्सो नॉट लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल बट नाम था इधर. 11th एंड 12th में आई थिंक 12th में मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ी एंड बिकॉज यू नो डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट था मुझे. सीन माई फादर सी पेशेंट्स. मुझे जो अच्छा लगता था मेडिसिन में ना वो ये है कि एक तरह से एक डिटेक्टिव जैसा सीन है. यू नो आप कोई प्रॉब्लम देखते हो कोई सफर कर रहा है और आप उसको सॉल्व करना है और क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है उसका रूट कॉज क्या है उसको कैसे ट्रीट करना है. मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो घुसने का तरीका है वो ये सब चीज़ें इवेल्युएट ही नहीं करता. आपका एप्टीट्यूड आपका इवेल्युएशन आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है आप कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के. हमेशा कोई एक अप्रोच तो नहीं हो सकता ना. मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. वो एनालिटिकल असेसमेंट ही नहीं है. पूरा असेसमेंट मेमोरी टेस्ट है. लाइक आप एक एग्जाम में जाओ और मेमोरी टेस्ट करके आ जाओ. अब कोई अगर मान लो अच्छा है इन सब चीज़ों को एनालाइज करने में और सोचने में लेकिन मेमोरी खराब है तो वो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता. और मैं तो इतना डिस्ट्रैक्टेड बंदा हूँ यार. लाइक मेरे दिमाग में 10 चीज़ घूमती हैं. मैं मल्टीपल चीज़ें करता रहता हूँ. दैट्स बीन माई नेचर. मैं ऐसे नहीं है कि मैं 100% एक ही चीज़ में करूँ और पूरा उसको ऐसा रट के मैं याद रखूँ. जस्ट रियली नॉट मी. ट्राई किया था बट आई कुडंट डू दैट. सो वो बहुत बड़ा मिसमैच है यार. आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर क्योंकि जो ये फील्ड चाहती है ना वो मेमोरी नहीं है. जो ये फील्ड चाहती है वो है एप्लीकेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड वेरी क्विक थिंकिंग वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड अपना क्लिनिकल जजमेंट कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड ये लेके सॉल्व होता है. दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. बट इसमें ये करने के लिए मुझे मेमोरी टेस्ट देना पड़ता है. तो 12th में जैसे तैसे मेरे कुछ आए थे 83-84%. फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी के स्कोर्स आई थिंक ओवरऑल क्लोज टू 87-88 थे.
और मेरी उस समय नीट यूजी नहीं होती थी, उस समय होता था कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट KCET, और 1999 या 2000 आई थिंक मेरी रैंक आई थी 1782, और उस समय अप टू 1800 1900 रैंक तक के बच्चों को फ्री मेडिकल सीट मिल जाती थी कर्नाटका में. मुझे मिली थी फ्री सीट श्री बसवेश्वर मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा में, जहां मैं गया, 2 महीने मैंने बिताए. पहला साल था उस कॉलेज का, तो कुछ मतलब कोई सीनियर्स वगैरह नहीं थे और इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट सेटअप हो रहा था. लेकिन उस साल क्या हुआ, बैंगलोर में 2-3 मेडिकल कॉलेज नए खुले, वैदेही मेडिकल कॉलेज, MBJ मेडिकल कॉलेज, आई थिंक श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, 2-3 खुले. तो क्या हुआ, सारी सीट शफल हो गई, क्योंकि जो मेरे पहले के रैंकर्स थे उनको बैंगलोर लेना था. भले वो फर्स्ट ईयर था उस मेडिकल कॉलेज का, बट उनको बैंगलोर में बेनिफिट दिख गया तो वो ले लिया. तो काफी मेरे आगे वाले रैंक्स खुल गई, और मुझे रिकाउंसलिंग में मिल गया सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लोजेस्ट था बैंगलोर से, और 20 ईयर्स पुराना कॉलेज था, नाम वाम भी था उसका. और मैं बोला चलो बैंगलोर के पास हो यार, 1-1.5 घंटे में बैंगलोर पहुंच सकते हैं. तो मैं 2-3 महीने बाद सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज में गया, और ये वाइवा वाला सीन वहां हुआ था मेरा फर्स्ट ईयर में. क्योंकि क्या है, जो मेरी वही अप्रोच रहती थी 40-50% लाओ और अगले क्लास में चले जाओ, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका बफर नहीं रहता है. तो मैं क्लासेस अटेंड करता था, नोट्स लिखता था, लेकिन मस्ती बहुत करता था. क्रिकेट टीम में घुस गया, थिएटर ग्रुप में घुस गया, जिमिंग कर रहा हूँ 4-4 घंटे कॉलेज के बाहर, TT खेल रहे 2-2, 3-3 बजे तक, वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन है, ये सब कर रहा था, और थोड़ा पढ़ाई भी कर रहा था. मुझे लगा जैसे कट रही है जिंदगी, कटती रहेगी, लेकिन कट कुछ और गया. क्योंकि क्या हुआ, जो हमारा एग्जामिनेशन था, थियोरी तो ठीक ठाक ही गया था मेरा, बट जो वाइवा था, वाइवा में जो लास्ट एग्जाम था, तो क्या एग्जाम के टाइम पे हम बहुत पढ़ते हैं और अच्छा भी लगता है ना, पूरी रात पढ़ रहे हो, आंखों में गड्ढे, दाढ़ी आड़ी निकल आई थी. तो मुझे लगा यार ये जो लास्ट टेस्ट है ना, थोड़ा सिंपथी मिल जाएगा. तो मेरे दोस्त ने भी कहा यार हाँ यार, थोड़ा सा अगर हम लगेंगे ना बेचारे बहुत थके हुए हैं, तो थोड़ा सिंपति से हमको मिल सकता है. वाइवा एग्जाम 101 बाय नॉलेज मेरे भाई, वाइवा एग्जाम 101 बाय लिम्बिक मसाज. लिम्बिक मसाज, इमोशनल अत्याचार मेरे भाई, मेक द एग्जामिनर फील फॉर यू, ताकि उनको लगे कि कितने मिजरेबल है ये यार. लेकिन इसके लिए नॉलेज भी तो बढ़ानी होगी ना मुन्ना, ना उसके लिए बस आड़ी बढ़ानी पड़ेगी. तो मैं ऐसा स्टबल्स, ये तो अभी तो आई एम लुकिंग लिटिल चिकना, बट स्टबल्स जबल्स के साथ, और यू नो अनकेम्प्ट, नॉट वेरी अनकेम्प्ट, जितना इसमें तो एग्जैजरेट किया वेब सीरीज में, बट मैं गया बायोकेम का वाइवा में. डोर खुलते ही ये प्रोफेसर वेंकी नहीं था, बट आई अडेप्टेड दैट इन द वेब सीरीज, बट दिस वॉज जस्ट अनदर एक्सटर्नल एग्जामिनर हु हैड नो प्रीवियस ग्रज ऑन मी. बट हिज प्रिंसिपल वॉज, अगर कोई वाइवा पे आता है, इट्स लाइक एन इंटरव्यू, बन ठन के आना चाहिए, चिकना होके, यू नो, बाल खड़े हुए, क्लीन शेव्ड, अच्छी तरह से एप्रन पहना है, और यू नो प्रेजेंटेबल लगो. आई थिंक ही हैज अ पॉइंट, बट मैं अलग ही कैरेक्टर में घुस के आया था. ही इज लाइक, दिस इज वे यू ड्रेस फॉर योर एग्जाम, नो सीरियसनेस, नो रिस्पेक्ट, आई एम गिविंग यू 0. लगा यार नहीं सर, आप जोक कर रहे होगे, ऐसे थोड़ी करोगे मेरे करियर के साथ. एंड ही टुक आउट द शीट एंड ही पुट 0 इन द फाइनल मार्क्स इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ही सेड लुक आई एम गिविंग यू 0, यू लर्न नेक्स्ट टाइम 6 months later when you come for your exam, please dress up properly. Ek sawal nahi pucha mujhse, and out. Get out, man. Brush. Get out. Up. Out. Out. Sir, get out. Sir, study it hard. How hard. Dare you? And I was like, ab jo average marks la raha hai, agar usko viva mein 0 mil gaye, to cumulative marks mein I think I flunked biochemistry by 4 or 5 marks. और ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिले. नॉर्मली 5 marks होते तो ग्रेस मार्क्स मिलते, तो मेरा कुछ आई थिंक आई फेल्ड बाय 6 marks और समथिंग. और फिर लग गए बैक, तो 6 months की बैक, बट आई वाज इन अ न्यू बैच, उसमें सब मस्ती वाले लोग ही थे, तो और मजे आए मेरे को. लेकिन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग द इंटर्नशिप माई वाइफ वॉज माई जूनियर, एंड टू थिंक ऑफ इट, अगर मैं फेल नहीं होता, आई वुड हैव नेवर मेट माई वाइफ. सो माई होल लाइफ इज वॉट इट इज टूडे थैंक्स टू दैट एक्सटर्नल एग्जामिनर, जिसने मेरे को फेल किया. बट आज तक किसी ने ना मुझसे पूछा, ना कहीं इफेक्ट हुआ. मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी लाइक वट एवर वर्क आई एम डूइंग, आई डोंट थिंक दैट्स एवर अफेक्टेड मी. सो इफ यू फेल इन एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, आई मीन आप यार पहले फेल हो जाओ और वहाँ बैक लग जाए, या MBBS करके आप 4 साल में PG ले लो, बैक तो बैक है, राइट? तो आजकल कुछ उसमें कंपेरिजन करने का कोई फायदा नहीं है. सो जस्ट गो अहेड.
पीजी में मेरा ये कभी प्रिंसिपल नहीं रहा है कि यार मैं बैठ के सिर्फ पढ़ाई करूं. आई वॉन्टेड टू वर्क, आई वॉन्टेड टू बी, आई वॉज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड कि लाइक MBBS खत्म होते आई स्टार्ट सीइंग पेशेंट. सो इट्स बीन नॉट वन डे सिंस 2006 दैट आई हैव नॉट सीन पेशेंट्स, रिगार्डलेस कि कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो. स्टार्टेड वर्किंग यू नो राइट आफ्टर इंटर्नशिप एज अ नॉन PGJR वार्ड रेसिडेंट. हर हॉस्पिटल में जहाँ पर भी हो सकता है मैंने काम किया है, पैसे भी कमाए. ज़्यादा नहीं होते थे, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, बट पैसे कमाई होती थी और पेशेंट दिखता था. प्रैक्टिकल में मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहता है, आई लाइक टू सी पेशेंट्स, अंडरस्टैंड डिसीज. और उसके बाद मैं पढ़ता भी था इफ बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट. तो ये सारे ऑल इंडिया पीजीज, एम्स पीजी, कर्नाटका पीजी, मैं कभी क्रैक ही नहीं कर पाता था. मेमोरी टेस्ट मेरे बस की बात नहीं है बॉस, मुझे एप्लीकेशन समझ में आता है, मुझे मेमोरी मेरी बहुत ख़राब है. वेरी वेरी हार्ड टू क्रैक. मैं एक दो साल काम करता रहा निमैंस में, मैंने साइकेट्री की, क्रिमिनल साइकेट्री, मैं नॉन PGJR था, OCD क्लिनिक में नॉन PG था, फिर मैंने कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम किया, इमरजेंसी में काम किया, ICU में काम किया, एक्सपीरियंस खूब लेता रहा एक साल. फिर जाके सेंट जॉन्स का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और लकीली सेंट जॉन्स उस समय मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा सिस्टम था उनको स्टूडेंट सेलेक्ट करने का कि वो एक्सक्लूसिवली मार्क्स और रैंक पे नहीं लेते थे. एक कट ऑफ होता था, उसके बाद इंटरव्यू पे बुलाया जाता था और इंटरव्यू बड़ा यूनिक था. IQ टेस्ट लेते थे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी इवैल्यूएट करते थे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते थे, ग्रुप डिस्कशन होता था. और एक बार मैं फेस टू फेस आ गया तो इम्प्रेस तो मैं कर ही देता हूँ. बेबी फेस है, इनोसेंट लुक है. एंड और मुझे वहाँ पूछा गया, एक्चुअली वहाँ जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने पूछा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस मेडिकल कॉलेज. आई सेड सर इट इज माय बर्थ राइट. वो चौंक गए, बर्थ राइट? मैं बोला या आई वाज बोर्न इन सेंट जॉन्स, इट्स माय बर्थ राइट टू स्टडी हियर. फिर हंसने लगे, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इसको लेते हैं, अच्छा बच्चा है. ले लिया एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय ENT. एंड जो काफी स्टोरीज हैं जो आपने स्टार्टिंग ट्रेवल्स में देखी है, एज अ मिक्स बिटवीन जो MBBS में हुआ है और जो इसमें हुआ है PG में, बट एंड देयर सम आल्सो आफ्टर दैट. तो उसका सब यू नो यू हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल एंड सिंक्रोनाइज इट, सो सम थिंग्स आर एग्जैजरेटेड. तो हमने वेंकी का स्टोरी को वाइवा में डाल दिया फॉर ग्रज, बट अदरवाइज अ वेरी सेपरेट पीपल एंड सेपरेट इंसिडेंसेस. तो भाई ये है मेरी जर्नी. बहुत लोगों ने पूछा या बताओ कि आपने कैसे ये सब किया, और भले ही आई हैव नेवर गिवन नीट, नीट केम जस्ट मच 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 लेटर इवन आफ्टर आई वॉज प्रैक्टिसिंग. But I guess the principles are the same. These questions, memory-based MCQs, I think thode se application-based questions aap poochte ho to it's good. I don't know. But there are two techniques that I used to use, which I can share with you for all NEET aspirants. One is understand how memory works, guys. Memory is a system where you never forget. You only fail to retrieve. It's a storage system in the brain. We only use very little, like probably 1-2% of our brain. It has a capacity to store a lot of information. So it's not like you're running out of space with the number of with the amount of information. You are not able to retrieve it because you make so many duplicate files of the same information, and that confuses the brain. Like agar aap ek cheez padhte ho, agar aapne jaise BD Chaurasia se ek topic padha, fir wohi topic ko aap Grey's Anatomy se padhoge, fir wohi aapko ek teacher bhi samjhayega, fir wo aapke friend aapke senior ka notes bhi uska dega, fir aap multiple MCQs bhi padhoge uske bare mein, aur fir jab aap exam mein baithoge aap bologe is topic ka mere ko file nikal ke do. तो अंदर का चपड़ासी बोल रहा है, सर ऐसा था, 100 फाइल है सर, कौन सा वाला निकालना है. फिर आप टेंस हो जाते हो, फिर वो ब्लैकआउट हो जाता है. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज मैं एक मास्टर नोट्स लिखता था डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास, क्योंकि पढ़ के मेरे को खास समझ में नहीं आता था, बट कोई मेरे को समझाए और मैं डाउट्स समय क्लैरिफाई करूँ तो मैं नोट्स लिखता था, और नोट्स से मुझे बहुत बहुत देर तक याद रहता था. लाइक इफ आई वुड अटेंड वन क्लास वंस, राइट द नोट्स एंड रीड इट वंस, मुझे वो पूरी चीज याद रहती थी. और कुछ भी पैथोफिजियोलॉजी जिसमें लाइक लॉजिक है और क्रोनोलॉजी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आती थी. जहाँ कोई तुक नहीं है, बस ये है तो है, उस टाइप की चीज मुझे याद नहीं होती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट नोट्स वेर माई मेन थिंग. बट अगर मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती थी किसी और सोर्स से, मैं उसी नोट्स में उसको इंक्लूड करता था, ताकि मेरा वन सिंगल मेमोरी फाइल उसी सोर्स से आता था और उसी को मैं रिवाइज करता था, और एंड में उसी से लेके मैं एग्जाम लिखता था. एंड नेवर हैड दीज काइंड ऑफ ब्लैकआउट सिचुएशंस. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उस बुक में से होती थी, मेरे नोट्स फाइल्स में से, आई वुड नेवर फॉरगेट और नेवर मिस इट. कुछ उसके बाहर होती थी तो आउट ऑफ सिलेबस. बट
But I think that is something that you should do, because I think there's so many sources now, even with the internet and all of that, that I think aap padhte ho, bahut jagah se padhte ho, lekin for retrieval mein aap confusion create karte ho apni brain ke liye. So try to bring it streamlined into one source. Second thing which I used to do is, kyunki main spellings mein bahut kharab tha, mnemonics is just not my cup of tea. Aur jahan par koi tuk nahi hai, koi story nahi hai, koi process nahi hai, bas ye branches hai nerve ke, ye idhar se udhar jata hai, ये सब चीजें मेरे को याद नहीं रहती थी. तो मैंने क्या किया, करने लगा मैं स्टोरी डालने लग गया. सो आई यूज टू डू समथिंग कॉल्ड एज एडिंग स्टोरीज टू मेडिकल टॉपिक्स. आई इवन मेड दिस अ बिजनेस कॉल्ड मेडिकल थिएटर. यू कैन लुक इट अप. आई डिड सम क्लिनिकल स्टडीज ऑन दिस ऑल्सो एंड टॉट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मेडिसिन यूजिंग थिएटर एंड ड्रामेटिक्स. उसमें क्या करता था मैं, जो मुझे समझ में नहीं आते थे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो गई या कुछ ऐसे ही ब्रांचेस हो गए ऑफ सम आर्टरी और नर्व, तो वहां पर मैं उनको कैरेक्टर्स बना देता था, एक स्टोरी बना देता था. स्टोरी मुझे याद रहती थी बिकॉज हिप्पोकैम्पस लिम्बिक सिस्टम से अगर कुछ टैग हो जाता है तो इमोशनल एलिमेंट हम लोगों को याद रहते हैं. आपने कुछ क्रिएट किया है तो आप उसमें इमोशनल एलिमेंट लगाते हो, मेरा है, मैंने बनाया है, वो याद रहता है. स्टोरीज याद रहती हैं, सीक्वेंसेस याद रहती हैं. उस तरह से मैं फिर कुछ ये वाली चीजें करके 20-30% ऑफ द मेडिकल कोर्स सिलेबस आई हैव प्रिपेयर्ड थ्रू स्टोरीज एंड बाकी सब मुझे समझ में आता था. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन जहाँ प्रैक्टिकलिटी हो और जहाँ पर केस सिनेरियोस हो, पेशेंट्स हो. तो ऐसे करके आई थिंक आई डिड दैट. बट गाइस, आई नो इट्स अ वेरी हाई प्रेशराइजिंग थिंग, बट टुडे द वर्ल्ड इज डिफरेंट. इट्स नॉट लाइक हाउ इट इज बिफोर. सब बदल गया है. अब कोई नहीं कह सकता हमारे जमाने में ये था, भैया आपके जमाने में पैंडेमिक हुआ था क्या? किसी के भी नहीं हुआ था. अब सब बदल गया है. अब आपको अपना देखना है और आपका जो पाथवे हो सकता है वो कम्प्लीटली यूनिक हो सकता है. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट लिसन टू मच अबाउट व्हाट अदर पीपल डिड एट देयर टाइम्स. देयर टाइम्स वर डिफरेंट, द टाइम्स नाउ आर वेरी डिफरेंट. तो आप अपना कोर्स अपने आप फॉलो कीजिए. कुछ ये नहीं है कि आपका लेट हो रहा है, अर्ली हो रहा है, ये सब हो रहा है. बट व्हाट आई वुड से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर यू ओनली डू MBBS और वेदर यू गो ऑन टू डू other things like innovations, or you parallelly pursue your passion, or you do PG and after that you go abroad, whatever it is that you do, the most important thing is you should be able to see patients and you should be able to impact their lives positively and you should be able to provide care and you should be able to solve their problems. At the end of the day, that's what medicine is all about, guys. It's not about which college you got into, how many marks you got, what rank you got. Ye koi nahi puchta hai. जब पेशेंट आपके सामने बीमार आता है ना, वो ये नहीं पूछता है. ठीक है, हाँ, वो आप सोच रहे होगे मेरा डिग्री देख के आएंगे, वो सब आएंगे, वो बहुत कम पॉपुलेशन है. और वो जो ये सब सोच के भी आते हैं, वो यूजली पेशेंट्स उतने कंप्लायंट होते नहीं है. लेकिन द पेशेंट ऑन योर ऑपरेशन टेबल, द पेशेंट हु इज इन द इमरजेंसी, द पेशेंट हु हैज कम टू यू विद ऑल देयर फेथ, यू गॉट टू बी एबल टू ट्रीट देम वेल. एंड मेमोरी इज अ स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ इट, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, empathy and a little bit of sensibility of how to handle a situation, ये सब किताबों से नहीं आती हैं. ये आप जितना internship में आप actively patients देखोगे, जितना आप अपने internship के बाद आप clinical exposure लोगे, that will take you a much longer way than just these marks. So अगर इसमें आप अच्छा करते हो या नहीं भी करते हो, please don't be so worried about it. All right? That is my advice for NEET. बहुत लोगों ने पूछा कि थोड़ा सा बताओ, तो I am taking time out and sharing this with you. I hope it was useful. But at the end of the day, be a good doctor and take care of patients. That's all that matters. Take care. Signing off, Jagdish Chaturvedi.